जयपुर की जनता ये चाह रही है कि अब एक बार एक बेटी को मौका देना चाहिए सेवा को। सबका साथ है, सब मिलके बैठ के बात कर काम करेंगे। राजस्थान की सभी 25 सीटों को लेकर अपनी बार 405 नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी का रोड शो और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम जयपुर शहर के बापू नगर इलाके में हैं, जो कि जयपुर शहर का एक इलाका है। बापू नगर, गांधीनगर और सामने का जो रास्ता है वो विश्वविद्यालय की तरफ का रास्ता है और यहां से नेताजी आज हमारे साथ हैं। मंजू शर्मा जयपुर शहर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मंजू शर्मा आज हमारे रोड शो का हिस्सा बन रही हैं न्यूज 18 पर। और मेरे दूसरी तरफ हैं, आप देख पा रहे हैं, मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा, गाड़ी में आगे की तरफ कालीचरण सराफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक, और साथ ही साथ ये काफिला अब मंजू शर्मा का रोड शो के तौर पर आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ मंजू शर्मा जी हैं। मंजू जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी से जानेंगे आज का उनका रोड शो, उनका कार्यक्रम क्या है, कैसे वो जनता के बीच में जा रहे हैं। मंजू जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका प्रचार कैसा चल रहा है, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस देख रही हैं? सबसे पहले तो आज मैं सभी मेरी बहनों को गणगौर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मेरा चुनाव प्रचार बहुत धमाकेदार चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि हमारे सांसद साहब बड़े भाई बोराजी भाई, रामचंद्र जी बोराजी भाई साहब, विधायक हमारे कालीचरण जी भाई साहब सुबह 7 बजे से साथ में हैं और इसी तरह सब लोगों से मिलते हुए प्रचार कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। मंजू जी कह रहे हैं आपका पहला चुनाव है और पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी है, कैसे देख रहे हैं? हालांकि जो लोग नहीं जानते हैं आपको वो कहते हैं कि सीधे एंट्री हो गई है, लेकिन मुझे पता है जनसंघ से भी आप कार्यरत हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में लंबे समय से आप रही हैं, कैसी परिक्रमा है पूरी की पूरी, कैसी आपका सफर है? बहुत अच्छी परिक्रमा है, जनसंघ के दीपक से लेके कमल, भारतीय जनता पार्टी के कमल तक का सफर किया है और संगठन के साथ किया है और यहाँ तो कोई चिंता है ही नहीं, सब मेरे छोटे बड़े भाई और मेरे परिवार। मैं तो जयपुर शहर को एक परिवार समझती हूँ और परिवार के बीच में काम करने का मौका मुझे पार्टी ने दिया है तो कोई चुनौती नहीं है, सब मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन कब से आप संगठन में सक्रिय हुई उसके सफर को लेकर के जानेंगे, लेकिन जयपुर के मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा हैं, एक कमेंट उनसे लेते हैं। रामचरण जी स्वागत है आपका भी, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी जयपुर में जो जनसैलाब और लोगों का प्यार मिल रहा है आप सबको, मंजू जी को? सबसे पहले मैं सभी बहनों को गणगौर की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जिस प्रकार से जयपुर की सीट हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रही है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी वंदन अभिनंदन का बिल पेश किया और उसमें मेरी भी मोहर लगी है। आपकी तो सबसे बड़ी मोहर लगी है नारी वंदन में, तो उसमें जिस प्रकार से पार्टी ने जो निर्णय लिया है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, और जब मुझे पूछा गया तो मैंने मंजू का नाम आगे किया है और मंजू हमारी बहन है और जयपुर की सेवा करने में संगठन में जिस प्रकार से आज तक का काम रहा है। बहन आपसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी? मेरे से ज्यादा मार्जिन से जिताने का प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं और जयपुर पूरे हिंदुस्तान में सबसे एक नंबर सीट पर जीते और एक रिकॉर्ड बनाने का काम करें। इधर जयपुर का विकास को लेकर के जयपुर विकास प्राधिकरण भी है, अब बताइए जयपुर के विकास की क्या योजना है आपके दिमाग में? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है और चलते रहने चाहिए। जयपुर के विकास को लेकर के पर्यटन को बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में करने के लिए, कभी बैठ के बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन आपका दिमाग जो अभी चल रहा है, मैंने सुना रामचरण जी का कमेंट बीच में आया, लेकिन देखिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार कि वो रोक दिया गया, उसको आप आगे बढ़ाएंगी, रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट था, है ना,
और जो बाकी जयपुर की समस्याएं हैं केंद्रीय स्तर पर सुलझाने वाली, उनको भी आप जीतेंगी यहाँ से लेकर के जाएंगी? बिल्कुल, जयपुर के विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, डबल इंजन की सरकार को दौड़ाएंगे। आपको पहले से पता था कि आपको टिकट मिल रहा है, ये जिम्मेदारी मिलेगी? पार्टी में कभी पता, ये पता होता ही नहीं किसी को। पार्टी जब अपने आप समझती है जिसको, जो उस काम के लिए उसको भेजना है, कह देती है कि आपको ये काम करना है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई नीति नहीं है कि पहले से कोई बता दे आपको। आपको जो कहते हैं कि राजनीति विरासत में मिली है, भंवरलाल जी इससे लगाकर आपने सारी और जयपुर की राजनीति को तो आपने देखा ही है, कैसा महसूस कर रही है अब इस शहर का, इस लोकसभा का सेवा करने का मौका मिल रहा है? अच्छा लग रहा है, बचपन से ही जनता की सेवा को घर में करते हुए पिताजी को देखा है, तो विरासत में ये चीज तो मिली है कि जनता का काम, जनता की सेवा कैसे की जाती है जी, तो उसका लाभ तो मिलने ही वाला है, लेने ही वाली हूँ मैं। उसका लाभ भी आपको मिलेगा? जो सीखा है पिताजी से कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार और कैसे जनता की सेवा करनी चाहिए, उसका जो सीखा है उसका लाभ तो मिलेगा। आप मोती डोंगरी आई कि नहीं आई? हाँ, मोती डोंगरी तो गणेश जी अपने तो प्रथम पूज्य आते रहते हैं। आए हैं अभी तो। ये देखिए, एक तरफ और आगे के अगर शुभ शकुन अगर माने हैं तो गणेश जी जो जयपुर के आराध्य हैं गोविंद देव जी के साथ साथ और प्रथम पूज्य हैं, हर कोई जयपुर का नागरिक गणेश जी के जरूर आता है। वो गणेश जी का मंदिर इधर है और ये जो रोड शो जिधर से गुजर रहा है वो जेल एंड मार्ग है, आप देख पा रहे हैं। तो मंजू जी, आप कह रही थी जयपुर के विकास के रोड मैप को लेकर के, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने सफर के बारे में बताएं, बचपन से कैसे बीता। लोग जो नहीं जानते हैं मंजू शर्मा को, वो ये जान पाए कि आपने कैसे कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत की थी। हमने जनसंघ के दीपक के समय से काम किया, जो उस समय हर कार्यकर्ता करता था, चाहे पर्ची भरने का काम हो, पर्ची बांटने का काम हो, टेबल पे बैठने का काम हो, बूथ पे बैठने का काम हो, चुनाव से संबंधित ऐसा कोई वोट निकालने का काम हो, सबसे ज्यादा चुनाव का कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने नहीं किया हो। आप कितने साल हो गए आपको संगठन में काम करते हुए? संगठन में बचपन से कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता के तौर पर ही एक जिम्मेदारी और जुड़ गई है? जिम्मेदारी तो अगर कोई आती है तो वो तो जिम्मेदारी तो है ही जी, लेकिन विपक्ष को कितना मजबूत मानते हैं इस सीट पर? हालांकि पूर्व मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, इससे पहले दूसरा प्रत्याशी था और उनका टिकट बदला गया, उन्हें कैसे देखते हैं? बस मैं तो ऐसे देखती हूँ कि जयपुर की जनता ये चाह रही है कि अब एक बार एक बेटी को मौका देना चाहिए सेवा का। जयपुर की बेटी चुने इस बार है? हाँ। एक बात बताइए कि राजपूत वोट बैंक को लेकर के और केंद्रीय मंत्री और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, उनके बयान को लेकर के कुछ तल्खियां, राजस्थान में भी उसका क्या असर होगा? मुझे कोई असर नहीं है, मुझे कोई राजपूत वोट की चिंता नहीं है, सब अपने साथ हैं, सारे साथ हैं। आप तो प्रताप सिंह जी से इस शहर में पहले से लगातार संपर्क में रही हुई होंगी, उनसे बात होती है? हाँ होती है, वो मेरे छोटे भाई की तरह है जी। और इसीलिए यही वजह है क्या कि कोई तल्खी वाले कमेंट एक दूसरे से नहीं आ रहे हैं बाकी लोकसभाओं में हम जिस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये तो मैं, ये बात तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि कुछ ऐसा मुझे कहना चाहिए जी। कालीचरण सराफ भी हमारे साथ हैं। कालीचरण जी, बारिश हो रही है और आप अर्जुन की भूमिका में इस पूरे रथ को आगे ले जा रहे हैं मंजू शर्मा जी के, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक जयपुर शहर का सवाल है, जयपुर शहर रिकॉर्ड बनाने में अग्रणी रहता है, इस बार भी हम रिकॉर्ड बनाएंगे, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से मंजू शर्मा जीतेगी। कैसा महसूस कर रहे हैं, बारिश ने आपका इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है? बारिश होने के बाद भी जिस प्रकार से जनता उमड़ उमड़ के आ रही है और स्वागत कर रही है, इस बात का द्योतक है कि सब मंजू शर्मा के साथ हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब कृत संकल्पित हैं और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री के रूप में लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं। मंजू जी कह रही है भगवान भी साथ हैं। देखिए ना कितना अच्छा मौसम हो गया, इंद्रदेव प्रसन्न है, बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। रामचरण जी, आपकी जिम्मेदारी ये हो गई है कि बहन को टिकट मिलने पर पूरे पथ प्रदर्शक की भूमिका में आप रहे हैं? है भाई साहब, देखिए जब से टिकट की बात चल रही थी जी और हमने नाम मंजू का नाम दिया है जी, मंजू हमारी बहन है, और आज देखिए जिस प्रकार से इंद्रदेव प्रसन्न हो रहे हैं, जब जब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में चुनाव होता है
तो इंद्रदेव हमेशा प्रसन्न होते हैं और एक अच्छा खुशनुमा माहौल जिस प्रकार से पैदा हुआ है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जयपुर में एक अपना नया परचम पहनाने का काम करेगी। ये हवाएं तेज चल रही है, कहीं विपक्ष की हवाएं तो नहीं है? जिस प्रकार से विपक्ष की आप बात करें, विपक्ष तो नजर ही नहीं आ रहा है। कांग्रेस में जिस प्रकार की जो भगदौड़ मच रही है, आम आदमी राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करने की बात कर रहा है और प्रत्येक, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सपने उनको साकार करने में लगा हुआ है। जिस प्रकार से ये एक परिवारवाद का चल रहा था, उस परिवारवाद को खत्म करने का काम किया है। वंशवाद चल रहा था, उस वंशवाद को खत्म करने का काम किया है। और जयपुर में जिस प्रकार की योजनाएं विगत 10 वर्षों में जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का हमने शुभारंभ किया है, उन योजनाओं को पूरा करने का काम भी हमने किया है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और आगे भी जयपुर में जगह जगह स्वागत भी हो रहा है और हम इस को लगातार जारी रखे हुए रोड शो को। मंजू जी, स्वागत के लिए भी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, हर जगह खुशी हो रही है कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी और आप उस पर आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, खुशी तो होती है जिम्मेदारी मिलती है तो। रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ, आपको लगता है जयपुर के जो लोग हैं उनमें भी उत्साह है? बहुत, रामनवमी भी आने वाली है। बिल्कुल, बहुत उत्साह है, उत्साह है। जयपुर का मतदाता तो 19 तारीख का इंतजार कर रहा है खाली। कितनी खुशी हो रही है देख करके? हम लोग तो उनकी जीत की कामना करते हैं हमेशा। बिग सपोर्टर ऑफ बीजेपी और कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो हमेशा बीजेपी के साथ। मंजू जी, आप अभिवादन तो स्वीकार करते रही है, लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी वाले राम के व्यापारी, हम राम के पुजारी हैं। ये तो सारी दुनिया ने देख लिया कौन व्यापारी और कौन पुजारी। वो आए नहीं हो वहाँ? उनको तो बाद में राम जी याद आए जब मंदिर बन गया, तब तक तो पूछते ही रहते थे कि मंदिर के लिए कह दिया कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। जब तारीख भी बन गई, तारीख भी हो गई, मंदिर भी, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, तब अब राम के पुजारी हो गए। तो अब उनको क्या लगता है कि वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? उनको डर लग रहा है इस फोटो में? बौखलाहट में दे रहे होंगे, बौखलाहट में दे रहे होंगे, बौखलाहट में दे रहे हैं। अच्छा, आपको जब टिकट की घोषणा हुई आपके नाम का, सबसे पहले किसने बधाई दी आपको? सबसे पहले भाई साहब ने दी। भाई साहब ने दी है, सही कह रहे हैं। सबसे पहले आपने अपनी बहन को बधाई दी? 24 तारीख को जब टिकट फाइनल हो रहा था तो हमने कहा कि अगर महिला को इस सीट देनी है तो मंजू, जो हमारे पंडित भवनलाल जी शर्मा, स्वर्गीय भवनलाल जी शर्मा की बेटी है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम अगर करें तो मंजू को टिकट दिया जाए। और हमारी बात पार्टी ने मानी है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। भवनलाल जी के सिद्धांतों से क्या सीखा मंजू जी आपने? उनकी उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत, उनकी सिद्धांतों से जनता की सेवा करना जी, समय का पालन करना जी, और अपने सिद्धांतों पे बने रहना। अब तो आपका पूरी पूरी दिनचर्या बहुत हेक्टिक हो गई होगी, कैसे संभालते हैं? कितने बजे उठते हैं सुबह? सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे, फिर उसके बाद कैसे शुरू होता है? वो तो अभी देखिए, महिलाओं के लिए ये कोई बहुत विशेष बात नहीं होती, वैसे ही जल्दी कर लेती है। लेकिन ये इसलिए विशेष है कि देर रात तक अब आप कार्यकर्ताओं से घिरी रहती हैं। कोई खास बात नहीं है, शुरू से देखा है हमने और कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसका आपको महिलाओं में क्वालिटी होती है जी, वो कैसा भी काम हो, कैसी भी स्थिति हो, महिलाएं सब काज कौन से विभाग में, कौन से स्तर पर, हर ऊंचे लेवल पर, हाईएस्ट पोस्ट पे महिलाएं, वो भी तो सब मैनेज करती हैं, घर भी मैनेज करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, काम भी करती हैं। तो महिलाओं में गॉड गिफ्ट है, भगवान ने एक विशेष गुण दिया हुआ है उसका। और बाकी महिलाओं को, आधी आबादी को, आपको लगता है? देखिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का बिल भी पास हुआ है जो लंबे समय से अटका है, आप कैसे देखती हैं उसको? मैं यही कहती हूँ कि सभी सरकारों ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम पहले वाले ने, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जी, उन्होंने महिलाओं की बात को, उनकी शक्ति को समझा, उनकी बात को समझा और उन्होंने उसी के नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए और सबसे पहले पार्टी में लागू किया। चाहे 3 तलाक की बात हो, उसमें भी उन्हें इतना ही दर्द लेकर के वो 3 तलाक वाला भी उन्होंने काम किया और महिलाओं को शक्ति देने के लिए ये बिल लाए ताकि महिलाएं अपने देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके अपनी बात रख सके। आपने काम बहुत किया है कार्यकर्ता के तौर पर और भंवरलाल जी के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं मंजू शर्मा तो कभी चुनाव नहीं लड़ी हैं,
ये पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो वो कैसे काम करेंगी पता नहीं है। मुझे नहीं पता लोग क्यों कहते हैं, मैं एक चुनाव विधानसभा का लड़ चुकी हूँ 2008 में, मात्र 500 लोकसभा का नहीं लड़ा, लोकसभा का पहला चुनाव मेरा, और चुनाव लड़े चाहे एक दो ही हैं, और सबका साथ है, सबका साथ है, सब मिलके बैठ के बात कर काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार है जयपुर के विकास के लिए। आपको लगता है जो महिलाओं का रिजर्वेशन की आपने बात की, महिलाओं के लिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है इस देश में, सरकार तो कर ही रही है, रिजर्वेशन हुआ लेकिन वो लागू भी हो रहा है हर स्तर पर, पुरुषों का भी आपको उतना ही सहयोग मिल रहा है। आप देखो ना, हाथ कंगन को अर्सी क्या जी, विधायक साहब सुबह 6 बजे से मेरे साथ हैं, मेरे भाई साहब आदरणीय सांसद साहब रामचरण जी बोरा जी भाई साहब साथ हैं, पार्टी का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता साथ है, फिर आपको क्या इसके अलावा क्या सबूत है बताओ आप। क्या रामचरण जी के कामों को भी आप जनता के बीच में रख रही हैं सांसद? बिल्कुल रख रहे हैं, और इनके जो छोटे हुए काम हैं जो रह गए हैं वो मिलके इनके मार्गदर्शन में मुझे करने जी, इनके सहयोग से अब यहाँ से ये डन जी। बोलिए आदरणीय रामचरण जी बोरा जी भाई साहब के मार्गदर्शन में और इनके सहयोग से सारे आगे के काम जो है वो करेंगे जी। तो एक कार्य योजना बनाने में ये भी हेल्प कर रहे हैं आपकी कि क्या करना है कैसे करना है, बड़े भाई के तौर पर? बिल्कुल, बड़े भाई के तौर पर हर बात में मार्गदर्शन इनसे मिलता रहता है जी। पार्टी में सब एकजुट है आपकी इस सीट को लेकर के, आश्वस्त हैं आप पूरी तरह से जीत पर? पूरी तरह से 100% आश्वस्त। इनसे मतदाताओं में कैसा उत्साह है या वो उसे किस तरीके से देख रहे हैं? राम मंदिर से बहुत उत्साह है जनता में। धारा 370 पर, 370 पे भी है। अब ये हवा बहुत तेज हो गई है और ये बीजेपी की हवा है। तो लगातार ये रोड शो अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मंजू शर्मा हमारे साथ है। एक आखिरी सवाल है, मोदी जी कहते हैं, चलिए आप आगे चलते रहिए, मोदी जी कहते हैं इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, क्या आपका क्या कहना है? बिल्कुल 400 पार राजस्थान की सभी 25 सीटों को लेकर, अब की बार 400 पार, उसमें राजस्थान के 25 और जयपुर के बड़े नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, हमारे इस रोड शो में आप ने समय दिया, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये नरेंद्र मोदी रोड शो अब आगे यहाँ से आगे जाएगा, लेकिन हम जो है वो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जयपुर शहर लोकसभा सीट है जहाँ पर मंजू शर्मा प्रत्याशी बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की, जिनके साथ हमने रोड शो किया, उन्होंने अपने मुद्दे बताए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी एक और नेताजी के साथ में रोड शो करेंगे।